बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से, जहां पर नाबालिग लड़की से रेप की कीमत मात्र 50,000 रुपए लगाई गई है। जी हां, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अब अयोध्या कोतवाली पुलिस ने रेप के बाद समझौते के लिए अनाथ लड़की की अस्मिता की कीमत लगाई है। अब यूपी पुलिस का यही काम रह गया है। इस घटना को लेकर समाज सेवी अधिवक्ता श्वेता राज सिंह के प्रयासों से पीड़ित परिवार को न्याय की अब उम्मीद जगी है। दरअसल पूरा मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की का है, जहां 1 फरवरी को घर से सामान लेने जब वो बाहर निकली तो कई घंटों तक वापस नहीं आई। पीड़ित परिवार ने रानोपाली पुलिस चौकी में इस घटना की सूचना दी। 1 मार्च को दोपहर में पीड़िता और अपहरण का आरोपी युवक पहुंच गए। कुछ घंटे बाद पुलिस ने लड़के को तो छोड़ दिया, लेकिन ना तो लड़की का समय से मेडिकल कराया ना मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता ने बताया कि अपहरण के बाद युवक ने उसके साथ रेप किया और धमकी दी। आरोप है कि परिवार के लोगों पर पुलिस ने मामला दबाने और सुलह का दबाव बनाया, इसके लिए 50,000 रुपए दिलाने के लिए भी कहा। यह सुनकर पीड़ित परिवार के लोग सदमे में आ गए और उन्होंने समाज सेवी श्वेता राज सिंह को घटना की पूरी जानकारी दी। उनकी ओर से मामला उठाने पर पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार को नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल के दौरान पहुंची श्वेता राज सिंह ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और कहा है कि आरोपी किसी भी दशा में बच नहीं पाएगा। नतीजी है, वो 1 तारीख को सामान लेने गई थी, सामान लेकर नहीं लौटी। इसके बाद घर वाले बहुत परेशान हुए, रात भर नहीं आई। उसके बाद सुबह गए, अप्लीकेशन डाले चौकी पे कोतवाली में। उसके दूसरे दिन घर आई, उससे पूछताछ किया गया कि कहाँ थी, तो उसने सारी बात बताई। उसके बाद तुरंत हम लोग उसको चौकी पर लेकर गए और उसके बाद सारा दरोगा साहब को बताए हम लोग सारी बात। उसके बाद में बस बोले कि हम लोग बुलाएंगे आपको। फिर कल बुलाया गया तो वहाँ पे 30-40 लोग बैठे थे लड़के के, तो बोले कि लड़की की पहचान कराओ कौन है, तो उसमें लड़का था ही नहीं, तो क्या पहचान की। बोली साहब इसमें लड़का वो नहीं है, बस यही बात है। प्रशासन की तरफ से क्या सहायता मिली, 3-4 दिन हो गए अभी कुछ मिला ही नहीं, बदनामी अलग हो रही है। कोई 16-17 साल की है, उसकी माँ नहीं है, वो बचपन में ही मर गई थी, हमें लोग ने उसको पाला पोसा। अहमदपुर, हम भी अहमदपुर में ही रहते हैं, वो मेरे घर भी जाती आती रहती है, हमारे बच्चों को खिलाती उलाती है। है वो बता रही है ना सारी बात, वो खुद बता रही थी। जो लड़का उसको लेकर गया था, सारी रात उसके साथ गलत काम किया, उसको रखा था, फिर दोपहर को लाके छोड़ के गया है। वो जाके दरोगा साहब को सारी बात बताई अपना। प्रिया के मामले को लेकर के आई हूँ। एक्चुअली मैं कोर्ट में थी, एकदम से मेरे पास फोन आया 1 बजे के आसपास इनका नूरी जी का, कि एक बच्ची है उसको 3-4 दिन पहले किडनैप करके लेकर के गए थे और उसके साथ दुष्कर्म करके उसको छोड़ दिया गया है। ये आप लोग अयोध्या कोतवाली पे थे और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, लड़की का मेडिकल नहीं कर रहे थे और उल्टा मुझे ये बताया गया कि इन लोग के ऊपर दबाव डाल करके कहा जा रहा था कि मैटर कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम लोग को 40-50,000 रुपये दिला देते हैं हम। तो जब मेरे संज्ञान में आया, मैंने इमीडिएटली CMO साहब को भी फ़ोन किया कि साहब एक बार देख लीजिए कि कैसे मदद हो। फिर मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, अयोध्या कोतवाली प्रभारी जी को, उनसे बात करी कि इस तरीके का मैटर वहाँ हो रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या बात है, लड़की की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने तुरंत यहाँ पे भेजा मेडिकल कराने के लिए लड़की को, और अभी 363 में FIR दर्ज हुई है, आगे कार्रवाई चल रही है। मुझे ये इंश्योर किया गया है कि कार्रवाई साफ सुथरी होगी और लड़की नाबालिग है तो पॉक्सो का तो केस वैसे भी बनता है। आगे देखते हैं कि प्रशासन की ओर से क्या सहयोग होता है, लेकिन अफसोस वहाँ होता है जहाँ पे ये बात सामने आती है कि प्रशासन दबाव डाल करके मैटर कॉम्प्रोमाइज करा रहा है। आप ये सोचिए, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है और उस मैटर को दबाने की कोशिश करी जा रही है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। यदि हमारे हमें बच्चियों को प्रशासन से भी सुरक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चियाँ बेटियाँ कहाँ जाएंगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के तहत पहल करी है कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए,
उसके लिए पिंक बूथ बनाए हैं, वन स्टॉप सेंटर्स बनाए हैं, क्या उनकी उनका कोई मतलब नहीं है? प्रशासन पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को एकदम हवा में उड़ा रहा है, हर चीज़ की किल्ली उड़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले समय में इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और ये कि प्रशासन बेटियों को के संरक्षण के लिए खड़ा रहे, ना कि उनके साथ कोई गलत चीज़ों को इस तरीके से दबाने का प्रयास करें। मुझे ये बताया गया था कि 1 तारीख को लड़की गायब हुई है और उसके बाद 3 तारीख को उसे छोड़ा गया है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।